90 plus marks in CA Inter FMSM. Is this even possible? Yes, my dear students, it is definitely possible provided you complete dedication, complete commitment, and 100% efforts. सेकेंडली हमारे पास हो एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी टू अप्रोच आर एग्जाम्स सो एफर्ट्स तो आप लोगों को डालने ही पड़ेंगे बिकॉज जो हम एम कर रहे हैं वो है नाइनटी प्लस और स्ट्रेटेजी क्या रहेगी दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो सो स्टे ट्यून्ड Alright everyone let's come straight to the point and let's discuss the strategy to score 90 plus in FMSM let's start with the basics first so as you know the entire paper uh, will be of 100 marks, out of which 50 marks are allocated for FM and 50 for SM. And drop paper pattern hai, usme kya hoga? that 70% will be subjective and 30% will be objective, that means MCQs. So 15 MCQs from SM and 35 marks descriptive paper, similarly for FM. So please make sure that up sorry MCQs attempt karke. Ao. Even if you feel confused in one or two MCQs, still.

Why? Because your target is very high. अगर पूरा syllabus का target रखोगे तभी कहीं जाकर हमारे 90 plus marks आएंगे, right? So ये तो हुए some basics. Now coming to the main aspect that is strategy क्या होगी. So see जिसमें भी आप ज़्यादा comfortable हैं, if you are comfortable in theory, then I would suggest आप पहले SSM का पूरा syllabus cover कर लीजिए और यहाँ पर आपके पास five chapters हैं, हर एक chapter इक्वली इंपॉर्टेंट है आपको सारे के सारे फाइव चैप्टर्स करने हैं सी एस एम को हम ये मान के चलते हैं कि ये थ्योरी पेपर है येस yes, थियोरी है लेकिन इट इज नॉट अबाउट क्रैमिंग आपको की पॉइंट्स याद करने हैं की याद करने है, याद करने है, yes, करने है ये करने हैं बट ये सेकेंडरी है उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट है दैट आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो वाई बिकॉज जो आपका पेपर है वो एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा हो गया है आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट किया जा रहा है कॉन्सेप्ट को आप कैसे अप्लाई करोगे सो क्वेश्चन में अगर आप करेक्ट स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाइन फाई कर पाओगे तभी तो वो कीवर्ड्स लिखोगे अगर आपने करेक्ट स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई नहीं करी अगर आप यही समझ नहीं पा रहे हो दैट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है देन जो भी आपने कीवर्ड्स याद किए हैं की पॉइंट्स याद करें

फिफ्थ चैप्टर फिफ्थ चैप्टर को बीच में कभी मत करना बिकॉज फिफ्थ चैप्टर काफी थोड़ा कम हो सकता है सो so पहले जब आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चैप्टर करके अपना कॉन्फिडेंस गेन कर चुके होंगे देन आप फिफ्थ चैप्टर को भी बहुत इजिली अप्रोच कर पाओगे इनाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम छोड़ सकते हैं नहीं आपको कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है बट क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम टूवर्ड्स दी एंड कर सकते हैं सो so, येस yes, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी जो आप सबसे बाद में करेंगे वो कौन से टॉपिक्स हैं सो प्लीज लिसन केयरफुली जो टॉपिक्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पूछ चुका है इन लास्ट टू अटेम्प्ट आप उन टॉपिक्स को आई एम नॉट स्किप करना है बट टुवर्ड्स दी एंड करना है पहले बाकी सारे टॉपिक्स कर लीजिए और वो टॉपिक्स बाद में सो so, ये तो रही एस की स्ट्रेटेजी नाउ कमिंग टू एफ अब एफ में भी हमें पूरा ही सिलेबस कवर करना है लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस वेरी करेगी सबसे पहले आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं एंड दे फॉल इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी कैटेगरी वन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज एनालिसिस पहले आप ये टॉपिक्स कवर करोगे प्रैक्टिकल टॉपिक्स ओके आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है अगर आप एफ की थियोरी कवर करना चाहो बिकॉज डेफिनेटली थियरी आएगी और काफी इजी थियोरी आती है सो so, आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हो सो so, जब आपने कैटेगरी वन वाले टॉपिक्स कर लिए उसके बाद मोनोटनी ब्रेक करने के लिए अगर आपको थियोरी करनी है तो आप स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव एंड देन टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग ये वाला पार्ट आप कवर कर लीजिए आफ्टर कवरिंग कैटेगरी वन टॉपिक्स उसके बाद कैटेगरी टू टौ टॉपिक्स आप करेंगे विच इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड टूवर्ड्स द एंड आप करेंगे डिविडेंड डिस एंड फाइनेंशियल रेशियो अनालिस एल्स देर इज एन अदर ऑप्शन कैटेगरी वन पहले आप कर लीजिए देन कैटेगरी टू कर लीजिए उसके बाद थियोरी पे एंड देन फाइनली कैटेगरी थ्री वाले टॉपिक्स आप करेंगे सो so अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे ट्रस्ट में बहुत ही इजिली आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा सो दैट वॉज द मेन स्ट्रेटेजी दैट यू नीड टू लो नाउ अब यह तो हो गया कि क्या सिक्वेंस है क्या स्ट्रेटेजी होगी बट द पॉइंट इज किन मेन बातों पर आपको ध्यान देना है वाई यू आर कवरिंग द सिलेबस वाई यू आर स्टार्टिंग ऑल राइट सो देखो ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ चाहे एफ हो या एस एम क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दोनों ही एप्लीकेशन बेस्ड हैं आपको पता है एफ तो प्रैक्टिकल है ही बट यहां पर भी अब एमसीक्यूज आते हैं एंड एप्लीकेशन बेस्ड हैं केस सिनारियों बेस्ड हैं सो फॉर दैट योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नीड्स टू बी वेरी वेरी गुड सेकेंडली जब आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं डू प्रिपेयर योर ओन हैंड रिटन नोट्स उससे क्या होगा दैट जब हम खुद अपने नोट्स बनाते हैं तो वी आर एबल टू रिटेन मोर ऑफ द एंड दिस स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने कहीं से कोई कोर्स नहीं लिया है राइट right? और आपके पास ई uh, बुक्स e नहीं है या नोट्स नहीं है सो so आपके लिए बहुत जरूरी होता है दैट आप नोट्स बनाए और राइट नोट्स भी बन गए कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए बट इज दैट एनअ नो इट इज नॉट एनफ बिकॉज प्रैक्टिसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन आरटीपी क्वेश्चन एम टीपी क्वेश्चन अगर आपके पास हमारी पीपी बुक है सो दैट्स बेस्ट वे टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इन वन डे जस्ट एम फॉर फाइव टू सेवन क्वेश्चन हमारा पर्प सिर्फ उनको रीड करना नहीं है उनको प्रैक्टिस करना भी है ऑल्सो यू है्योर कोई भी नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोसीड करने से पहले आप पुराने चैप्टर्स के की पॉइंट फटाफट से डेली बेसिस पर रिवाइज करेंगे सबसे क्रिटिकल स्टेज जो अब है वो है गिविंग टेस्ट राइट right, बिकॉज अभी तक तो हमें लग रहा है कि हाँ हमने सब कुछ कवर कर लिया लेकिन जब हम टेस्ट देंगे देन एक्चुअली वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द ग्रे एरियाज व्हाट आर आर वीक पॉइंट्स और हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है सो so, उसके लिए टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर ही सिर्फ ध्यान नहीं देना है सिर्फ वही टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करने हैं एट द सेम टाइम एमसीक्यू टेस्ट भी देने हैं क्विज है वो दो प्लीज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है एमसीक्यूज जो आईसीआई ने रिलीज करे हैं यू कैन ऑल्सो रेफर टू द एमसी क्यूज गिवन इन आर कोर्स आईसीआई की कवरेज तो है ही एट द सेम टाइम और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं बहुत सारे केस हैं केस बेस्ड एमसीक्यूज आपको उसमें देखने को मिलेंगे न ऑल्सो रेफर टू दीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल एम सीक्यूज उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा सो so yes, ये वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दिकॉज ये आपको एग्जाम वाली फील्ड देंगे ऑल्सो मेक श्योर दैट आप एग्जाम कंडीशन की तरह ही ये वाले टेस्ट दीजिए सेट द टाइमर एंड देन गिव द टेस्ट और उसके बाद जो भी आपको कॉमेंट्स आएंगे आपके टेस्ट के ऊपर कहां आपको इंप्रूव करना है प्लीज वर्क ऑन दोज एरियाज सो बस ये सब आपको करना है एंड डेफिनेटली 90 प्लस आप स्कोर करेंगे बट ये सब करते हुए प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ योर फिजिकल हेल्थ योर मेंटल इमोशनल हेल्थ सो स्टे स्ट्रेस फ्री एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अवे बिकॉज ये डिस्ट्रैक्शंस आपको आपके गोल को अचीव करने से रोकेंगी सो नो अननेसेसरली स्क्रोलिंग ऑन द इंटरनेट And before I leave, a very, very important piece of information. If you to clear your concepts, minimal prices You can refer our CA Intergroup to OTT courses. They are live on the website. The link will be provided in the description. So that's all from my end. All the very best with your preparation.